में अगले हफ्ते होने वाला है फिनाले वीक, और इस फिनाले वीक को केवल 4 ही कंटेस्टेंट पार कर पाएंगे, यानी कि बाकी बचे सभी कंटेस्टेंट को घर छोड़ना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते होने वाले फिनाले वीक में कौन कौन से 4 कंटेस्टेंट घर में रह जाएंगे और बाकी कौन से 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएंगे। इसके अलावा इन 4 कंटेस्टेंट्स के साथ गेम कैसे आगे बढ़ेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो अगले हफ्ते जो 4 कंटेस्टेंट बिग बॉस के फिनाले वीक को पार करेंगे वो होंगे रूबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्य और एजाज खान। ये कंटेस्टेंट वैसे भी टॉप 4 में हैं, और अब देखा जाए तो अगर फिनाले वीक की बात हो तो बाकी सारे कंटेस्टेंट इन 4 कंटेस्टेंट के मुकाबले वीक है। तो इस तरीके से ये 4 कंटेस्टेंट ही फिनाले वीक को पार कर जाएंगे और गेम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मेकर्स घर के अंदर पिछले सीजन की तरह ट्विस्ट लेकर आना चाहते हैं तो इन 4 कंटेस्टेंट्स में से किसी 2 कंटेस्टेंट को घर से नॉमिनेट कर देंगे और बाद में उनकी दोबारा से री एंट्री कराएंगे, और इन 2 कंटेस्टेंट्स की जगह पर किन्हीं दूसरे 2 कंटेस्टेंट यानी कि अभिनव शुक्ला, निकी तंबोली, अली गोनी और कविता कौशिक में से किन्हीं 2 कंटेस्टेंट्स को इनके साथ रखा जा सकता है और बाकी 2 कंटेस्टेंट को घर से हमेशा के लिए बेघर होना पड़ेगा। वैसे जो कंटेस्टेंट फिनाले वीक में घर से बेघर होंगे उनके फैंस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्विस्ट सिर्फ शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए लाया गया है। इस सीजन में जो कंटेस्टेंट अभी तक बने हुए हैं और अगर वो घर से बेघर अगले हफ्ते साथ में होते हैं तो उन्हें बाद में री एंट्री जरूर कराई जाएगी। यानी कि अगर अभिनव शुक्ला, निकी तंबोली, कविता कौशिक और अली गोनी घर से बेघर हो जाते हैं तो इनमें से ज्यादातर कंटेस्टेंट दोबारा से री एंट्री के जरिए वापस लौट आएंगे। हालांकि कविता कौशिक की दोबारा री एंट्री नहीं कराई जाएगी क्योंकि उन्हें 2 बार मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो वो अगर घर से बेघर होती हैं तो वो हमेशा के लिए घर से बेघर हो जाएंगी और उन्हें दोबारा इस सीजन में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं बात करें रूबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्य और एजाज खान की, तो अगर इनमें से कोई भी कंटेस्टेंट फिनाले वीक में आउट होता है तो ये समझ लीजिएगा कि इन्हें इसलिए आउट किया गया है ताकि इनके गेम को और मजबूत किया जा सके और इन्हें समझाया जा सके कि घर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। वैसे तो ज्यादातर चांसेस यही नजर आ रही हैं कि अगर मेकर्स वोटिंग ट्रेंड्स पर जाते हैं तो रूबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, एजाज खान और राहुल वैद्य आसानी से फिनाले वीक को पार कर लेंगे। हालांकि बाकी कंटेस्टेंट्स को भी एक मौका मिलेगा फिनाले वीक को पार करने का, वो होगा घर के अंदर इम्यूनिटी टास्क। रूबीना दिलैक के पास में ऑलरेडी इम्यूनिटी स्टोन है तो वो आसानी से इस फिनाले वीक को पार कर लेंगी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कंटेस्टेंट है वो इम्यूनिटी पाने के लिए घर के अंदर एक टास्क करेंगे और जो कंटेस्टेंट इस टास्क को जीत जाएगा वो एक कंटेस्टेंट रूबीना दिलैक के साथ में फिनाले वीक को पार करने के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा और बाकी बचे सभी कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन का सामना करना पड़ेगा और वोटिंग के आधार पर ही वो घर में रह पाएंगे। अगर उन्हें अच्छे वोट्स मिलते हैं तो ही वो घर में रह पाएंगे, अदरवाइज वो अगले हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इन कंटेस्टेंट्स के घर से बेघर होने के बाद घर में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी जो कि इस घर में अब और तड़का लगाने वाली हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।